14th डे हमारा रमजान का एंड यहाँ पे हमारा कोई सरप्राइज गेस्ट आया था हमारे घर को, सो दैट इज नन अदर देन माय कजिन रूबी। हाय, अस्सलाम वालेकुम। सो रूबी आई है हमारे घर को सडन सरप्राइज। सो बहुत ज़्यादा एक्चुअली आके बहुत देरी होया, मैं भूल गई हूँ बातें कर लेके रख गए हमें। चेस खेलते हैं। सो आहिल चेस खेलता है इसके पापा के साथ। सो रूबी के हस्बैंड भी आ रहे और बोल आई बोल अस्सलाम वालेकुम। बोल हाय अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके। तो अभी क्या हो बातें कैसे चलते हैं रोजे और रूबी के बच्चे अमीना एंड नोमन को स्कूल से बताए। आहिल को हॉलीडेज ईस्टर हॉलीडेज दिए बट उनको स्कूल है नहीं का तो बच्चे भी आते थे। सो कंटिन्यू करेंगे माँ की नामांक आते हैं। सो रूबी देखती है आज ये फिफ्थ डे बात सुखते है ये साइड पे रखते हैं धूप तो देरी बाद आता फिल्म भी। तो यहाँ पे आहिल उसके पापा के साथ चेस खेल लिया अब तक का। सो गेम कंप्लीट होया एंड उनका बच्चे को भी स्कूल छोड़ने का टाइम हुआ। सो स्कूल जाके बच्चे को लेकर घर वापस चले जाते करते। सो अब निकलते हैं बाय बोल के। बाय बोलो। बाय बाय। बाय बाय। बाय। सुडे 14 पारा पढ़ ले तुम्हें एंड अभी बिग बास्केट में कुछ ऑर्डर रखा सामान है। सो बिग बास्केट वाला आता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा बिग बास्केट के आइटम्स डिलीवर करने को। बहुत इजी प्रोसेस एक्चुअली 15-30 मिनट्स के अंदर ले जा के दे देते हैं। क्या तो अर्जेंटली हमारे को होना का तो हमें बाहर जाके नहीं लेकर आ ही सका। बिग बास्केट करके नहीं इसमें बहुत सारे ऐप्स में है बता सा शॉपिंग के ऑनलाइन ग्रॉसरीज घर को लगा के देते। सो मैं ज़्यादा बिग बास्केट छिके का तो आहिल 1 ईयर का था तब से शायद स्टार्ट हुआ है वाइजाग में। सो तब से मैं ऑर्डर करना स्टार्ट करूँ और वैसा कंटिन्यू होता चाहिए वो ऐप यूज़ करना मैं। और यहाँ पे देखिए तो तुम्हारे को वेजिटेबल्स कितने फ्रेश रहते हैं कहता हूँ सब भी फर्स्ट क्वालिटी के बिल्कुल भी तुम्हारे को डाउट रख लेने का ज़रूरत नहीं कहता हूँ उसमें ऑर्डर कर ली तो भी एकदम फ्रेश भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं। और यहाँ पर आहिल ईद कर लेता है रमज़ान का महीना ना उन्हें क्या पूछी तो अभी नो नहीं बोल सका मैं ऑर्डर कर दी हूँ। और यहाँ पर मेरे चीले जल जाते हैं एक्चुअली मैं चटनी बना दी हूँ पहले ही बट चीले क्या हो तो इफ्तार का टाइम को दाल के रख दे तो ठंडे होगी तो खाते नहीं हमारे घर में सबको गरम गरम खाना पसंद। सो दाल तो है और यहाँ पे हमारे को इफ्तार का पार्टी का ये भी आ गया लाल जी का कोलिक बता ऑफिस वाले दिए। सो ये मुमताज़ बिरयानी मुमताज़ होटल है ना अरलोवा का ना सो वो बिरयानी बहुत बहुत अच्छा रहता यम रहता एक्चुअली चिपक जाते हैं ना चीले तो इसलिए करके मैं ऑनियन को आधा काट के सर रब कर लेके डालते बते थोड़ा ऑयल छिनक के भी ऑयल डाल के भी ऑयल पे ऐसा रब करी तो ऑनियन चीले चिपकते नहीं एक्चुअली ये हमारे सासकन सीखू मैं ये ट्रिक। नेक्स्ट चीला मैं ये अब डालू ना पलटाते इष्टम दिखाते हूँ देखो असल बिल्कुल भी चिपकता नहीं एंड तब तक के लिए ले जाके चीले दे दल नाना वहाँ खाते हैं इफ्तार हो गया। सो लाल जी फिर खा लेके ऑफिस को चल जाते हैं इसलिए करके बहुत जल्दी जल्दी डालते हैं। और ये देखो चीला बिल्कुल भी चिपकता नहीं बस काम भी बहुत अच्छा रहता है ट्रिक इसको तो नहीं मालूम हो फिर तो डेफिनेटली ट्राई करो बहुत टाइम सेव होता। और इसके बाद लाल जी आहिल को रात को नमाज को लेके जाते हैं तरावी का। सो एवरीडे जाते हैं उन्होंने बट मैं कौन सा दिन भी रिकॉर्ड करना नहीं सो जस्ट नॉर्मली रिकॉर्ड करूँ ये ब्लॉग भी यहाँ से एंड करते हैं। सो बहुत लेट पोस्ट करूँ मैं सॉरी फॉर दैट एंड होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।